इस वक्त मैं खड़ा हूँ हुडा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन के पास, और यहाँ पर एक बनाया जा रहा है अंडरपास और एक फ्लाईओवर भी बनाया जा रहा है। जी हाँ, इन दोनों का दिखाने वाला हूँ कि कितना कुछ काम हुआ है। और ये रोड है, अगर आप इस तरफ जाएंगे तो आप जा सकते हैं इफ़को चौक की तरफ, जी हाँ इधर, और अगर आप स्ट्रेट जाते हैं तो आप जा सकते हैं गलेरिया मार्केट, गोल्डकोस्ट रोड पे भी कनेक्ट हो सकते हैं आप। तो सामने ये जो आप देख रहे हो यही बनाया जा रहा है एलिवेटेड पार्ट, और इसके नीचे ये बनाया जा रहा है सर्विस रोड। यहाँ पर फिलहाल अभी जो काम चल रहा है वो चल रहा है स्ट्रीट लाइट लगाने का इस सर्विस रोड पे। और राइट हैंड साइड में मेरे आपको दिखने वाला है हुडा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन। अभी फ़िलहाल आपको जैसा कि पता है मेट्रो की सर्विस तो फ़िलहाल बंद है, और इस वजह से यहाँ पर आपको जो मेट्रो है वो बहुत ही कम देखने को मिलेगा, इनफैक्ट ना के बराबर ही मिलने वाला है क्योंकि सर्विस बंद है। ये एलिवेटेड पार्ट पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुका है और यहाँ पर काम किया जा रहा है अब ब्लैक टॉप का, यानी कि फाइनल फेज का काम इस पर किया जा रहा है। और यहाँ पर बीच में ये जो आप देख रहे हैं ये ड्रेनेज सिस्टम होने वाला है, और प्लस साथ में स्ट्रीट लाइट भी यहाँ पर लगाया जाएगा, उसी का काम चल रहा है। और साथ ही साथ इसके बीचों बीच जो डिवाइडर्स होने हैं उसका काम किया जा रहा है। ये बहुत पहले ही ये फ्लाईओवर बनकर तैयार हो चुका था, लेकिन इस पर ब्लैक टॉप का जो काम है वो नहीं किया गया था, और वो यहाँ पे फिलहाल अभी किया जा रहा है टीम के द्वारा। तो इस फ्लाईओवर की मदद से आप इस जगह को क्रॉस कर सकते हैं और उसके बाद आगे की तरफ जा सकते हैं। यहाँ से अगर आप लेफ़्ट लोगे तो आप जा सकते हो बख्तावर चौक, सुभाष चौक, या फिर आप जा सकते हैं सोना भी, जी हाँ। और यहाँ से अगर आप राइट लेंगे तो आप जा सकते हैं सिग्नेचर टावर पे। इस जगह पे सामने ये जो आप देख रहे हैं यही है हुडा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन। ये पूरी तरीके से तो कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ इस पे अब फाइनल फेज़ का ब्लैक टॉप का काम जो है वो किया जाना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है खासकर इस जगह पे, क्योंकि आपको पता है गुड़गांव का सबसे बड़ा मेट्रो स्टेशन यही है, और इसी वजह से ये जो जगह है यहाँ पर अच्छा खासा स्लो डाउन लगता है और अच्छा खासा लोगों का जो मूवमेंट है वो रहता है। इस तरफ भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी अभी फाइनल फेज का ब्लैक टॉप का काम नहीं हुआ है, वो किया जा रहा है। इस तरफ ये जो रोड़ी बजरी डालकर इसका जो लेबल करते हैं वो कर लिया गया है, लेकिन फिलहाल अगले आने वाले कुछ दिनों में, हो सकता है अगला जब मैं आपको अपडेट दूँ तो यहाँ पर ये ब्लैक टॉप का जो काम है वो कम्प्लीट हो जाएगा, लेकिन हमें और आपको ये यूज़ करने को नहीं मिलेगा क्योंकि आगे यहाँ पर अंडरपास का काम चल रहा है और वो अंडरपास का जो काम है वो अभी कम्प्लीट नहीं हुआ है। और ये जो लाइन आप देख रहे हो यही है मेट्रो की लाइन, ये यहाँ से ये होने वाला है सर्विस रोड। यहाँ पर ये जो बनाया गया है ये वेटिंग एरिया आप कह सकते हो, तो जो भी इस मेट्रो को यूज़ करने के लिए अपनी गाड़ी से आएगा या फिर टैक्सी से आएगा तो वो इस जगह पे यहाँ पर वेट कर सकते हैं। सामने ही इसका एंट्री गेट है ये जो आपको दिख रहा है, और उसके बाद फिर गाड़ी यहाँ से यू टर्न ले सकती है। ये जो आप देख रहे हो इसके नीचे यू टर्न है, वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ, तो वहाँ से यू टर्न, और इसको यहाँ से क्लोज भी किया जा रहा है। आगे अगर आप देखोगे तो ये जो बनाया भी गया है तो ये आगे ऐसे जाकर क्लोज हो जाएगा ताकि आप यहां से सिर्फ यू टर्न ले सके, आगे ना जा सके। तो इसको बहुत ही प्लानिंग के साथ बनाया गया है, और ये आपका रहेगा पिकअप एंड ड्रॉप एरिया। ठीक है, स्टार्टिंग में कहा था कि ये जो एलिवेटेड पार्ट देख रहे हो यानी कि ये जो फ्लाईओवर देख रहे हो ये अगर बन भी जाएगा तो अभी फिलहाल आप यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर ये अंडरपास का काम चल रहा है। तो जैसे ही इस पॉइंट पर अंडरपास का जो काम है वो कम्प्लीट हो जाएगा, फिर उसके बाद हमें और आपको ये जो फ्लाईओवर आप देख रहे हो इसे हम और आप यूज़ कर सकते हैं, और इनफैक्ट ये अंडरपास भी यूज़ कर सकते हैं। इस अंडरपास को यूज़ करने के लिए अगर आप सिग्नेचर टावर की तरफ से आते हैं तो ही कर सकते हैं, क्योंकि ये वन वे है पूरी तरीके से। सिग्नेचर टावर की तरफ से होते हुए आप यहाँ आगे की तरफ जा सकते हैं। ये ताज विमानता जो होटल है उसके पास ये ऊपर आने वाला है, उसके बाद आप बख्तावर चौक, सोना रोड, सोना, इन सभी जगहों पर जा सकते हैं, इस अंडरपास को यूज़ कर सकते हैं। फ़ायदा इसका ये होने वाला है कि इस जगह पर बहुत ज़्यादा स्लो डाउन लगता था, क्योंकि जैसा कि मैंने आपसे कहा ये यहाँ पे एक तो बहुत सारी कंपनियाँ भी हैं यहाँ पे आसपास, और सबसे बड़ा मेट्रो स्टेशन भी यहीं पे है, तो सबसे ज़्यादा पिकअप एंड ड्रॉप भी यहीं पे होता है। लोग आसपास जॉब करने भी इसी रास्ते को यूज़ करके जाते हैं, तो इसीलिए यहाँ स्लो डाउन लग जाता था। और इस एलिवेटेड पार्ट की मदद से और इस अंडरपास की मदद से यहाँ पर जो स्लो डाउन लगता था, जो ट्रैफिक की जो समस्या होती थी वो बहुत हद तक कम हो जाएगा। तो अच्छी खबर ये है कि आने वाले कुछ महीनों में हम इस अंडरपास को यूज़ कर सकते हैं, और ये अंडरपास आने वाले कुछ महीनों में बनकर तैयार भी हो जाएगा। और पहले ये रोड बंद था, इस रोड से होते हुए आप सिग्नेचर टावर की तरफ नहीं जा सकते थे, लेकिन अभी फ़िलहाल इसे खोल दिया गया है, और उसके बाद यहाँ पे भी ब्लैक टॉप का जो काम है वो कर किया जा रहा है। क्योंकि आपको पता है ये जब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था तो ये जो रोड है जो पहले था यहाँ पर वो पूरी तरीके से डैमेज हो चुका है, तो इसे भी बनाया जा रहा है। और सीधा अगर आप जाओगे तो आप जा सकते हैं अतुल कटारिया चौक, शीतला माता मंदिर रोड,
या फिर आप जा सकते हैं बस स्टैंड। तो चलिए, कैसा लगा ये वीडियो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरीके से आपके आसपास चल रहे इंफ्रास्ट्रक्चर के जो भी काम है उसका ग्राउंड रिपोर्ट मैं आप तक पहुंचाता रहूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, जय हिंद। और हाँ, आप मुझे इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर मैं इंफ्रा के जो न्यूज़ होते हैं वो आपके साथ शेयर कर दिया करूँगा। जी हाँ, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।